यानी कि डिफेंस शेयर को लेकर। तो डिफेंस स्टॉक्स पर आज फोकस करना है। राजनाथ सिंह साहब जा रहे हैं, 5 दिन का अमेरिका का दायरा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है, ये पूरी संभावना है। आइए डिफेंस स्टॉक्स पर एक बार सिद्धार्थ जी की भी राय ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी वैसे तो अच्छे फॉर्म में रहे, रिसेंटली थोड़ी करेक्शन आई है, बट रक्षा मंत्री जा रहे हैं यूएस, कुछ बड़ी डील्स अनाउंस हो सकती हैं, क्या अप्रोच है सर? ठीक है दीपांशु, अभी हाल में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा म्यूटेड हुआ है, स्पेशली बजट के बाद डिफेंस और पीएसयूज में थोड़ा सा ठंडापन देखा गया है। बट मैं मानता हूं कि डिफेंस एक एवरग्रीन प्ले है, इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक हमारा टॉप पिक है, फॉलोड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मुझे लगता है कि डिफेंस प्ले अभी भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से अच्छा है, बट आप चढ़ चढ़ के ना ले, जब भी कहीं पे भी गिरावट मिलती है इसको अक्यूमुलेट करें, क्योंकि ये पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है और ये सेक्टर बहुत मेन प्राइम सेक्टर बन सकता है आने वाले 5 सालों में। तो आपको अक्यूमुलेशन करना है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके चलिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये आपके लिए सिद्धार्थ जी की राय आ रही है। रिसेंटली ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पर हमने एक्शन बनते हुए देखा है, और एचएल तो खैर एक्शन में रहता ही है, मजगांव डॉक कोचिन शिपयार्ड में भी उतार चढ़ाव के बाद आपने मूव बनते हुए देखी है।